नाटो में शामिल होकर दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने बहुत बड़े युद्ध को बुलावा दे दिया है। पुतिन ने 350 परमाणु बमों को सिर्फ फिनलैंड के लिए रिजर्व कर दिया है। ये सभी परमाणु बम फिनलैंड के काफी करीब पहुंच चुके हैं। नाटो फिनलैंड के रास्ते रूस को घेरने में लगा था और अब पुतिन ने फिनलैंड को बड़ी वार्निंग दे दी है। पूरी दुनिया को अब यही खौफ सता रहा है कि क्या परमाणु हमला होने वाला है। फिनलैंड के पूरब में कितने प्रलयंकारी परमाणु बम हमले के लिए तैयार हैं? फिनलैंड के पूरब में रूस की न्यूक्लियर फोर्स कितने और परमाणु बम पहुंचा रही है? फिनलैंड की सीमा से सटे मौजूद रूस का परमाणु गोदाम अभी कितना भरा हुआ है? फिनलैंड के पड़ोस के समंदर में रूस के परमाणु हथियारों की गश्ती क्यों बढ़ गई है? क्या फिनलैंड में समंदर के रास्ते परमाणु सुनामी आने वाली है? सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस के पड़ोस में नाटो की सेना जमा हो रही है। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो के टैंक फिनलैंड पहुंचेंगे। नाटो की घातक मिसाइलें रूस की सीमा के करीब लगाने के लिए फिनलैंड आएंगी। नाटो के लड़ाकू विमान फिनलैंड में लैंड होंगे। रूस को नजर में रखकर नाटो फिनलैंड में अपने हथियारों का नया गोदाम बनाएगा, जहां रखे एक एक हथियार पर पुतिन की सेना का नाम होगा। यही वजह है कि रूस की सेना भी अपनी नजर फिनलैंड सीमा की ओर कर रही है। फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर देख चुके हैं। रूस के ये ऐसे बॉम्बर हैं जो आसमान के रास्ते परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले के बाद रूस ने अपनी पश्चिमी सीमा पर और 12 मिलिट्री यूनिट तैनात कर दिया था। अब फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस की बटालियन 24/7 चौखन्ना रहने वाली है, क्योंकि रूस को अब फिनलैंड सीमा पर नाटो से दो दो हाथ करना है। ऐसे में सवाल है कि क्या फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की पहल का जवाब पुतिन परमाणु बम से देने वाले हैं? फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिनलैंड के पास मौजूद कोला प्रायद्वीप में रूस ने पनडुब्बियों पर 350 परमाणु बम लगा रखे हैं। सभी परमाणु बम 150 किलोटन की ताकत के हैं, यानी कोला प्रायद्वीप में मौजूद रूस के एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। विश्लेषकों का कहना है कि फिनलैंड की नाटो में एंट्री से यूरोप में तनाव चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि नाटो और रूस की बरसों पुरानी दुश्मनी का सबसे नया एपिसेंटर फिनलैंड बन गया है। फिनलैंड नाटो का ऐसा खूनी दरवाजा बन गया है जिसके एक तरफ पुतिन खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के 31 देशों की सेना है। नाटो का आरोप है कि पुतिन नाटो का दरवाजा बंद करना चाहते थे, हमले की धमकी और युद्ध के नाम पर डराना चाहते थे, लेकिन फिनलैंड का नाटो के दरवाजे से दाखिल होना साबित करता है कि पुतिन विफल हो गए हैं। विश्लेषकों का दावा है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद पुतिन यूरोप और पश्चिम को डराने की कोशिश में तनाव बढ़ाएंगे, जिसकी शुरुआत रूस के आर्कटिक में अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती से कर दी गई है। फिनलैंड समेत पूरे नाटो को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने आर्कटिक को क्यों चुना है? आर्कटिक में कहां कहां रूस ने अपने परमाणु हथियारों का जमावड़ा कर रखा है? आर्कटिक में अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती कर पुतिन किस किस नाटो देश पर एटमी कहर बरपाने की तैयारी में है? इसे जानने से पहले नाटो कैंप में चलते हैं, जहां अभी नए दोस्त के स्वागत में खुशियां मनाई जा रही हैं।
Let me start by welcoming Finland as the newest member of our alliance. नाटो का दावा है कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फिनलैंड 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस के साथ साझा करता है। फिनलैंड के रास्ते नाटो की पहुंच अब रूस के परमाणु अड्डे तक हो गई है। पुतिन के गुप्त परमाणु ठिकाने अब सीधे नाटो के निशाने पर आ गए हैं। रूस के उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर के उत्तर में फिनलैंड है, दक्षिण में एस्टोनिया है, बीच में बाल्टिक सागर का हिस्सा फिनलैंड की खाड़ी सामरिक तौर पर रूस के लिए काफी अहम है। फिनलैंड की खाड़ी के पूर्वी छोर पर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है। फिनलैंड की सीमा से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी सिर्फ 125 किलोमीटर है। सेंट पीटर्सबर्ग में ही पुतिन का जन्म हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस की आर्थिक राजधानी है। इसी शहर में रूस के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, जहां किसी भी तरह का नुकसान पुतिन को मंजूर नहीं। साफ है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब बाल्टिक सागर के रास्ते नाटो को अब ना केवल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बल्कि रूस के कोला प्रायद्वीप तक पहुंच भी आसान हो गई है, जो रूस का चलता फिरता परमाणु बेस है। कहा जाता है कि यहाँ पुतिन ने पनडुब्बियों में तैरता एटम बम लगा रखा है, जो समंदर के अंदर से निकलकर दुनिया के किसी भी हिस्से को खाक में मिला सकता है। कोला प्रायद्वीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। कोला प्रायद्वीप का छोटा सा इलाका रूस की परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन का पावरफुल सेंटर है। यहीं से आर्कटिक की गश्त भी की जाती है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूरोप में नाटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पुतिन के इस तैयारी को लेकर नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में कहा कि रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्ध पोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणु हथियारों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में यह पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के उत्तरी बेड़े का युद्धपोत अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद ये पहली बार है जब रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के साथ युद्धपोतों को समंदर में तैनात किया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नाटो देशों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है, क्योंकि रूस का सबसे नया दुश्मन फिनलैंड के साथ ही डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है। दावा किया गया है कि रूस की सेना ने अपने युद्धपोत एडमिरल गोर्शको को परमाणु हथियारों से लैस करके आर्कटिक सागर में उतार दिया है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रूस के उत्तरी बेड़े के पास है। रूस के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय सेवरोमोस्क बंदरगाह है। सेवरोमोस्क पोर्ट से ही रूस परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों को आर्कटिक सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक भेजा गया है। बाल्टिक सागर में रूस के परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों की मौजूदगी का सीधा सा मतलब है फिनलैंड पर परमाणु प्रहार। नाटो को डराने के साथ साथ रूस का नया टारगेट आर्कटिक नाम का बर्फ का ऐसा दरिया है, जहां परमाणु युद्ध करके कब्जा पाना है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि आर्कटिक पर वर्चस्व स्थापित कर रूस नाटो को मात देना चाहता है।
आने वाले दिनों में किसका होगा, इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। इस होड़ में रूस सबसे आगे दिख रहा है। वजह, आर्कटिक में रूस की सैन्य तैयारी। रूस की मिलिट्री डेवलपमेंट की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका समेत पूरे नेटो देशों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले आप सैटेलाइट से ली गई इन खुफिया तस्वीरों को देख लीजिए। खुफिया तस्वीर नंबर एक, खुफिया तस्वीर नंबर दो, खुफिया तस्वीर नंबर तीन, खुफिया तस्वीर नंबर चार, खुफिया तस्वीर नंबर पांच, खुफिया तस्वीर नंबर छह, खुफिया तस्वीर नंबर सात, खुफिया तस्वीर नंबर आठ। रूस की सैन्य तैयारियों का पर्दाफाश करने वाली इन तस्वीरों ने दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये खुफिया तस्वीरें कैसे आर्कटिक में रूस के परमाणु युद्ध की तैयारियों का पर्दाफाश कर रही हैं? इसी मकसद से रूस फिनलैंड की सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम रूस में ओलेनो गॉक्स में लगातार रेडार स्टेशनों को बढ़ा रहा है। ये रेडार फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से 400 किलोमीटर दूर बैरेंट्स सागर के तट पर पश्चिमी रूसी शहर ओस्ट्रोवनोय में भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का निर्माण आर्कटिक सर्कल के ऊपर रूस के उत्तरी तट के करीब वोरकोटा में एक बेस पर किया जा रहा है। रडार सिस्टम का विकास रूस के उत्तर पूर्व में टिक्सी एयर डिफेंस साइट पर भी किया गया है। इसी तरह रूस की सेना आर्कटिक महासागर के द्वीप में मौजूद रूस की सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाने नगस को हवाई अड्डे पर रनवे में सुधार कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रूस की मुख्य भूमि के तट से लगे कोटलनी द्वीप पर बने टेम्प एयर बेस के रनवे को भी आधुनिक बनाया गया है। रूसी सेना की यह तैयारी नाटो के फिनलैंड वाले फॉर्मूले का काट माना जा रहा है। पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रही हैं। नाटो के खिलाफ ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या यूक्रेन के बाद फिनलैंड का नंबर है, जिसकी धरती पर धावा बोलकर पुतिन सीधे नाटो के घमंड को चकनाचूर करने की तैयारी में है।